देवास रोड पर गुरुवार दोपहर हुई सनसनीखेज लूट के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया था। एमआईटी फंटे पर दो बाइक से आए चार युवकों ने एक किसान को चाकू अड़ाकर 3.5 लाख रुपए व कार छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित किया गया था। बता दें कि अजय जाट निवासी ग्राम हंसखेड़ी खेती करता है। गुरुवार को दोपहर अजय के पिता ने उसे 1.5 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख रुपए अजय ने महानंदा नगर स्थित बैंक से निकाले थे। इसे लेकर वह कार से अकेले ही नरवर किसी व्यक्ति को देने के लिए जा रहा था। एमआईटी फंदे पर दो बाइक पर आए चार युवकों ने कार के आगे बाइक खड़ी कर उसे रुकवाया था। इसके बाद अजय को चाकू दिखाकर उससे रुपए छीन लिए और कार लेकर वहां से भाग गए। आरोपित मौके पर एक बाइक छोड़ गए थे। कार में GPS लगा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपितों को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में SP सचिन शर्मा ने सोमवार को पुलिस कंट्रोल रूम पर लूट का खुलासा किया। SP ने बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे लूटी गई कार, नकदी, आभूषण, 3 बाइक और 9 मोबाइल जब्त किए हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। मेरे साथ घटना हुई MIT चौराहा नरवा से 3 किलोमीटर पहले। मैं नरवा जा रहा था, किसी को मेरे को पेमेंट देना था। 3.5 लाख रुपए पड़े केस थे मेरे पास गाड़ी में, और भी जैसे ही मैं नीचे गया तो चार जने आए, 2 पल्सर थे। एक ने गाड़ी आगे खड़ी की मेरे, और एक बात कर रहा था पहले से ही। मैं उससे बात करता कुछ समझ पाता, इससे पहले एक गाड़ी आगे आ गई। गाड़ी जैसे खड़ी करी मैंने ब्रेक टच की, ब्रेक टच करते ही जो साइड में खड़े थे उनने मेरे को चाकू अड़ाया। उज्जैन जिले के थाना नरवर अंतर्गत 1 तारीख को एक घटनाक्रम आया था, जहां पे एक व्यक्ति अकेला अपनी गाड़ी से, जो उसने नहीं ली थी किया सोनेट, हाईवे पे जा रहा था। वहीं पे कुछ अज्ञात लोग आए, जिन्होंने उस गाड़ी को रोका और उसके बाद चाकू उड़ा के उससे गाड़ी और गाड़ी में पड़े लगभग 3.5 लाख रुपये कैश लेके चले गए। इसके बाद इसमें एक SIT गठित की गई और जो आरोपी थे उन पर 10,000 के नाम उद्घोषित किया गया। और विशेष प्रयासों के बाद जो आरोपी इंदौर के थे, इन सभी चारों को राउंड अप किया गया, अभिरक्षा में लिया गया और जितना भी माल गया था लूट में उस सबको रिकवर किया गया और आगे भी इनकी पूछताछ लगातार जारी है। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।